नमस्कार, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी। जी हां, बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है और सभी छात्रों को चौंकाने वाला एक बड़ा फैसला ले गया। जी हां, अचानक ही सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है जिसको जानकर काफी सारे छात्र चौंक से जाने वाले हैं। जी हां, उसी की बात हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले छात्रों और छात्राएं, तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र और छात्राएं, साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार कई सारे अहम बदलाव कर रही है, जिसमें कुछ बदलाव ऐसे भी है जो छात्रों को राहत देने वाले हैं, कुछ ऐसे भी है जो छात्रों को परेशान करने वाले हैं। और इसी को लेकर सरकार की तरफ से जो आज फैसला लिया गया है उससे जानकर काफ़ी सारे छात्र परेशान से होने वाले हैं। चाहे भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र और छात्राएं, चाहे CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उड़ीसा या फिर कर्नाटक बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र हैं, तो आप तमाम से जुड़ी एक खबर है और जो आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ, सरकार ने कहा कि इस बार आपके कंपार्टमेंट एग्जाम है वो नहीं होंगे, यानी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, यदि आपके कोई भी दो विषय में यदि आपके नंबर कम बन जाते हैं तो उसका एक या दो महीने के अंदर अंदर उसका एग्जाम होता है और उसी साल आप पास कर सकते हो। लेकिन इस नियम को बदल दिया है, अब आपके केवल एक विषय में यदि नंबर कम बनेंगे तभी आपको सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट एग्जाम देने की यहाँ पर छूट दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान इस वक्त कर दिया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हो उसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या ये फैसला सही है या फिर गलत, इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।